नवाज शरीफ का पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता, पीटीआई के मुकाबले के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मौलाना की प्रोग्रेसिव तजावीज को अमली जामा पहनाने की यकीन दहानी। तेल और बिजली सस्ती करने के अलावा आइन शिकनी करने वालों से आहनी हाथों से निमटने का फैसला। तख्ते लाहौर पर होगा कौन बराजमान, फैसले की घड़ी आन पहुंची। हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही आमने सामने। पंजाब असेंबली में वजीर आला का इंतखाब सुपहर 4 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर ने असेंबली के बाहर पुलिस तैनात करने का हुक्म दे दिया। पंजाब असेंबली मौजूदा निजाम चलने तक चलेगी। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं कि इस वक्त बंद कमरों में मेहनत हो रही है। हमारे पास इस वक्त सादा अक्सरियत 186 के नंबर पूरे हैं। आज शाम परवेज इलाही वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि उम्मीद है आज का मरहला खुश असलूबी से तय हो जाएगा। हमारे पास मतलूबा तादाद में नंबर्स पूरे हैं। अवाम चोर मुनाफिक और झूठ की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। वजीर तलाद मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद, कहती हैं गाली धमकी के दिन गुजर गए। इमरान खान मुल्क में मौशी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। और स्कर्दू में केटू चोटी की मुहिम जोई के दौरान हरकत कल्ब बंद होने से अफगान कोफेमा जान की बाजी हार गया। अफगान कोफेमा अली अकबर सखी को कैंप 3 पर दिल का दौरा पड़ा।